प्रकृति विराट है। उसका सौंदर्य हमें कई स्तरों पर दिखाई देता है। प्रकृति मानवीय सभ्यता में कला का एक प्रेरणा स्थान है। आकाश की ऊंचाई छूने का प्रयास करती सिकोया, कैलिफोर्नियन रेडवुड ट्रीज की ऊंचाई हो या फिर समुद्र के गहरे स्तर में प्रकाशमान होने वाले सूक्ष्म जीव, प्रकृति का निरीक्षण मानव सभ्यता के जिज्ञासा और चिंतन का मूल रहा है। मानव प्रकृति का प्रतिबिंब अपनी कला और विज्ञान के साधना में खोजने का प्रयास मात्र करता है। यही खोज उसे प्रकृति के उन गहरे तथा कूट रहस्यों तक लेकर जाती है जो उसकी विराट अभिव्यक्ति में सदियों से छुपे हुए हैं। कला हो या फिर विज्ञान, दोनों उसका आवरण दूर करते हैं, उन रहस्यों का आवरण दूर करते हैं, उसका अनावरण करते हैं। यही कारण है आधुनिक विज्ञान में उसको डिस्कवर करना, मतलब उन तथ्यों का अनावरण करना कहते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कबीर जी कहते हैं जो ढूंढेगा उसे प्राप्त होगा, उसे मिल जाएगा। भारतीय चिंतन में दो स्टेजेस हैं, दो स्टेप्स हैं। भारतीय चिंतन शास्त्र ये दो स्टेजेस पर काम करता है। उसका पहला सोपान है, वो है अन्वीक्षिकी, यानी अन्वेषण करना, मतलब खोजना। और उसका दूसरा सोपान है, द सेकेंड स्टेप, वो है अनुमिति, अनुमान, यानी तर्क, यानी लॉजिक, अ टेंजिबल वे टू आर्टिकुलेट द थिंग्स, उसको अनुमिति कहा है। अन्वीक्षिकी और अनुमिति, इन दो पहियों पर चिंतन का रथ चलता है। अगर हम स्टैनली नॉर्मन कोहन, जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की नींव रखी, उसका फाउंडेशन रखा, तो अगर उनकी बात हम सुने तो वे कहते हैं कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज की तरफ, उसको ढूंढने की तरफ। एक्चुअली वो प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स पर रिसर्च करना चाहते थे। बैक्टीरिया में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनता है, तो उसकी जीन्स इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पर होती हैं, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो उनका इंटेंशन ये था कि वो ये खोजना चाहते थे कि ये जो जीन्स हैं प्लाज्मिड्स पर बनी, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे बनाती है, उन बैक्टीरिया को हमारे लिए हुए, हमारे खाए हुए या तो हमें इंजेक्ट किए हुए एंटीबायोटिक्स के परिणामों से ये बैक्टीरिया बचते कैसे हैं,
उनमें ये रेजिस्टेंस कैसे जनरेट होता है, तो यही चीज वो ढूंढना चाहते थे। उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का संशोधन करें। Well, I was interested in understanding the mechanisms that bacteria use to acquire resistance to antibiotics. And it was known at the time that I started that bacteria had or carried small circular pieces of DNA called plasmids. And these plasmids picked up genes that coded for enzymes that made them resistant to antibiotics. And I was interested in learning really how plasmids did pick up these genes and how they were transferred and how they reproduced themselves. And in order to do that, in order to understand this, it was necessary to work out methods of taking plasmids out of bacteria and introducing them back into the cells. And once we figured out ways of doing that, it became apparent that if it was possible to link foreign genes to plasmids, it might be possible to use the plasmid replication machinery to reproduce the genes that had been transplanted into new cells by linking them to plasmids. अगर आप विज्ञान के इतिहास की तरफ ठीक से नजर डालें, तो आपको एक मजेदार बात दिखाई देगी। ऐसे कई वैज्ञानिक थे जिनका बेसिक इंटेंशन, उनका हेतु या तो उनकी उनका मोटिव ऐसे स्पेसिफिक वो खोज करने का नहीं था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक्चुअली वो कोई और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने पाया कुछ और ही, लेकिन वो उससे बेहतर था। चलो हम एग्जांपल लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, जिनको हम पेनिसिलिन का जनक नाम से जानते हैं। मानव के शरीर में बहुत सारे रोगों का कारण बैक्टीरिया हैं, ये 1865 में रॉबर्ट कॉख ने बताया। उसके बाद कई दशक वैज्ञानिक ये ढूंढते रहे कि इन बैक्टीरिया से कैसे मुक्ति पाई जाए। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन पर वैज्ञानिक काम करने लगे और उनमें से एक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देखिए ये जो बड़ी योग्यता के लोग होते हैं वो कितने हम्बल होते हैं, कितने विनम्र होते हैं। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया था, उनको नोबेल प्राइज मिला 1945 में। तो उस वर्ल्ड वॉर में बचे हुए बहुत सारे लोग उनको थैंक्स देने आते थे। ऐसे कई कृतज्ञ लोग जो पेनिसिलिन से बच गए वो उनको मिलने को आते थे। तो फ्लेमिंग कहते थे कि वेर एवर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइव्स। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू सो, बिकॉज नेचर क्रिएटेड पेनिसिलिन, आई जस्ट फाउंड इट। ये ऊंची योग्यता वाले लोगों की विनम्रता है। तो फ्लेमिंग लाइसोजाइम की प्रॉपर्टीज का अभ्यास कर रहे थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे। मोटिव तो वही था कि बैक्टीरियल डिसीजेस से मुक्ति पा सके, उनसे उनके अगेंस्ट कुछ अच्छा सा मेडिकल फॉर्मूला लेकर वो आ सके। तो उन्होंने स्टैफिलोकोकस पर काम करना शुरू किया। कोकस ये बैक्टीरिया का एक आकार है। कोकस का सारा मतलब है ग्रेन, जैसे बीज होते हैं गेहूं का, हो गेहूं की एक वैरायटी है, एक स्पीशीज है, उसका नाम है ट्राइटिकम स्फेरोकोकम। तो कोकस इस शब्द का अर्थ है ग्रेन, बीज, अनाज का एक दाना, तो उसको बोलते हैं
कोकम, कोकस। तो जो बैक्टीरिया ऐसे बीज के आकार के होते हैं उनको कहते हैं कोकस। अगर उसकी वो दो एक जगह पर हो तो उसको कहेंगे हम डिप्लोकोकस। उनकी समझ लीजिए कोई चेन से बनी है, चेन बनी है उनसे, उन बैक्टीरिया से वो किसी चेन का फॉर्म लेते हैं तो उनको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अगर या उनका एक बंच बनता है तो उसको बोलते हैं स्टैफिलोकोकस। तो स्टैफिलोकोकस की प्रॉपर्टीज और उन पर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस कैसे काम करेंगे ये खोजने का प्रयास लगभग 1918 के आसपास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर रहे थे। उन्होंने ऐसे पाया कि हमारे अश्रु टीयर्स उनमें एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है। वैसे ह्यूमन टिश्यूज में जैसे हमारे नाक का स्त्राव हो, ये जो सिक्रीशंस हैं, ये सिक्रीशंस म्यूकसी सिक्रीशंस, इनमें अपने आप एक ऐसा सब्सटेंस है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। अगर हम हिस्टोलॉजी की दृष्टि से इन्हें देखें तो हमें ये दिखाई देगा कि जो एपिथेलियल लेयर्स हैं तो उनमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो गॉबलेट शेप्ड होती हैं। उसका मतलब ऐसी बोतल जिसको नेक नहीं है, जो केवल ऐसी नीचे स्वेल होती जाती है, तो उस तरह दिखने वाली सेल्स उनको कहते हैं गॉबलेट सेल्स। इन गॉबलेट सेल्स के अराउंड उनके आजू बाजू में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। सीलिएटेड एपिथेलियम किसी झाड़ू की तरह है, वो इन यूनिसन एक ही बाजू में उसकी पूरी की पूरी सीलिया वो घूमती है, दे मूव इन यूनिसन। तो होता ऐसे है कि ये गॉबलेट सेल्स का जो सिक्रीशन है वो आजू बाजू में फैला देती है, ये जो सीलियरी मूवमेंट है वो आजू बाजू में फैला देती है। तो ये जो सिक्रीशंस है, बॉडी सिक्रीशंस, इनमें कोई एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाया। उनका अभ्यास चल रहा था स्टैफिलोकोकस के कल्चर। तो ये जो स्टैफिलोकोकस के कल्चर्स उन्होंने बनाए थे लगभग 1928 के आसपास, तो उनको ऐसे दिखाई दिया कि कुछ दिनों के वैकेशन के बाद जब वो अपनी रूम पर लौटे, तो लंदन में उनकी रूम थी, तो वहां पर जब लौटे तो वो जो कल्चर्स किए थे स्टैफिलोकोकस के, उनको एक मोल्ड ने, एक फंगस ने मार दिया था। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान से देखा और उन्हें पता चला कि ये फंगस कोई ऐसा सब्सटेंस बना रही है जो इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। तो उन्होंने उस फंगस को उसके कंटेंट्स डिस्टिल किए और उन्होंने ऐसे पाया कि उसमें कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिनको उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया, और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाला है। तो कई बार ऐसे होता है कि वैज्ञानिक किसी स्पेसिफिक इंटेंशन से रिसर्च की तरफ नहीं जाते हैं, तो उनको वो जाते हैं कुछ और ढूंढने को और मिलता कुछ और है। तो ये जो समय है बाद में पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इन दिनों में वैज्ञानिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए बड़े विस्तृत अमाउंट्स में, बड़े लार्ज स्केल पर ग्रांट्स और फंड्स मिलने लगे। किंतु हम अगर ग्रेगर जॉन मेंडेल का समय देखें तो वो एक प्रीस्ट थे, वो उनके लाइफ टाइम में कभी भी एक वैज्ञानिक के तौर पर जाने नहीं गए, किंतु वो जाने गए एक प्रीस्ट के तौर पर। अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडेल की एक्सपेरिमेंट्स देखें तो लगभग 10 सालों के ये एक्सपेरिमेंट्स जिनमें उन्होंने 8000 से ज्यादा प्लांट्स उनके एक्सपेरिमेंट्स में उन पर इनहेरिटेंस के ऑब्जर्वेशंस किए थे, तो ये काम इतना मैसिव है, इतना
लार्ज स्केल का है और वो भी किसी ग्रांट के बगैर, केवल एक जीवन का ध्येय था उनका वो खोजने का। अच्छा, उनको पहचान मिली नहीं, वैज्ञानिक के तौर पर पहचान मिली नहीं, लेकिन आज हम उनकी तरफ बड़ी आदर से देखते। एक ऐसा वैज्ञानिक जिन्होंने क्लासिकल जेनेटिक्स की फाउंडेशन नींव रखी। ये लगभग 100 साल का प्रवास है, मेंडेलियन क्लासिकल जेनेटिक्स, जिसमें हम वर्टिकल जीन ट्रांसफर पढ़ते हैं, और स्टैनली नॉर्मन कोहन उनका लैटरल जीन ट्रांसफर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाला जेनेटिक्स, जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या तो अप्लाइड जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है।